अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर की अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर दोस्तों कतर से आ रही, साथियों कतर के आमिर की तरफ से आ रही है। तो कतर के जो आमिर है शेख तमीम बिन हमद अल थानी साहब, वो दोस्तों आज के दिन बगदाद शरीफ पहुंचे हैं, यानी इराक का जो राजधानी है वहाँ बगदाद। अब दोस्तों इसलिए वहाँ पे गए हैं क्योंकि वहाँ पे इराक में रिपब्लिक डे था, यानी दोस्तों वहाँ पे किसी तरह का फंक्शन रखा गया था, तो इसी की वजह से वहाँ पे उनका वेलकम किया गया। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ इराक एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिया अल सुदैनी अम्बेसडर ऑफ स्टेट ऑफ कतर इराक के खालिद सभी वहाँ लोग मौजूद थे और उनका भव्य स्वागत किया गया कतर के आमिर को। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही, साथियों आप लोगों को दोस्तों नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, साथियों वहाँ पे एक आयोजन इस साल किया जा रहा है जो कि अब तक कतर में कभी भी आयोजन नहीं किया गया था। दोस्तों ये आयोजन जो किया जा रहा है साथियों, ये कायाक फिशिंग यानी दोस्तों फिशिंग को लेकर यानी मछली पकड़ने का एक टूर्नामेंट किया जा रहा है ओल्ड दोहा पोर्ट में, जो कि कायाक फिशिंग टूर्नामेंट रखा गया है। साथियों ये अभी कुछ दिन में ही होने वाला था पर इसे किसी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों इसे पोस्टपोन कर किया गया है 23 जून 2024 को दोस्तों किया गया है। तो ये दो दिन का टूर्नामेंट साथियों करवाया जाएगा, जो कि साथियों होने वाला था अभी 2 से 3 दिनों में पर इसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। अगला जो दोस्तों ये कार्यक्रम रखा जाएगा 23 जून को और 24 जून को रखा जाएगा। तो जो लोग भी ओल्ड दोहा पोर्ट में यानी पुरानी बंदरगाह में कयाक फिशिंग यानी तो फिशिंग का टूर्नामेंट यदि आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 23 जून और 24 जून को दोस्तों इसका आयोजन किया गया है, आप लोग जाके इसमें पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हो। अगली खबर दोस्तों जारी, साथियों फिलीपींस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा फिलीपींस में आए दिन हमेशा भूकंप वगैरह जो है वहाँ पे आते रहती हैं। तो खबर निकल कर दोस्तों ये आ रही है कि वहाँ फिलीपींस में फिर से 6.3 मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड के स्पीड में भूकंप को वहाँ पर महसूस किया गया। एम्बेसी ऑफ कतरी सिटीजन इन बन जो है वहाँ पर, यानी दोस्तों एम्बेसी जो कतर का वहाँ पर है बंतागास में, वहाँ पर इसको वहाँ पर दोस्तों ऑफिशियली उनके तरफ से भी ट्वीट करके बताया गया कि बहुत ही भयंकर ये भूकंप वहाँ पर देखी गई है। अभी तक तो दोस्तों कितने लोग कोई लोग मारे जाने की खबर अभी तक नहीं आ रही है पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मालो जाल के नुकसान आने की अपडेट्स निकल कर आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, वो दोहा पोर्ट से आ रही यानी दोहा बंदरगाह से आ रही। तो दोहा पोर्ट में दोस्तों इस साल जो है टूरिस्ट लोग अराइवल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। खबर दोस्तों निकल कर ये आ रही है जनरल अथॉरिटी ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अब इस बार दोस्तों उम्मीद है कि लगभग 12,000 वहाँ पर लोग जो है वहाँ हर दिन आने की उम्मीद जताई जा रही है टूरिज्म रजिस्ट्रेशन अब तक वहाँ पे 2,73,666 लोग वहाँ पे कर चुके हैं, जिनमें से 55 क्रूज शिप का इस्तेमाल किया गया और जो कि दोस्तों पिछले साल के मुकाबले लगभग 62% की दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।